दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर आप स्टार की डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं यह बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बिना समय को गवाए हम इस जानकारी को शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नया पेज ओपन कर लेते हैं अब यहाँ पर जब आप राइट साइड में जो टूल्स बने हुए हैं यदि आप इसको ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको इस टूल के ऊपर जाना है सबसे पहले यहाँ पर बाई डिफॉल्ट लिखा होता है पॉलीगान टूल तो आपको यहाँ पर ये यह जो छोटी सी एरो बनी हुई दिखाई दे रही है आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए स्टार का ऑप्शन आपको मिल जाएगा आप इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी स्टार बनाना चाहते हैं मतलब कि स्टार के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप जो माउस की लेफ़्ट बटन होती है उसको प्रेस करके रखें और इसके बाद इसको इस तरह से खींचें ऐसा करते ही जो स्टार की इमेज है या जो स्टार की डिज़ाइन है यह बन जाएगी अब मान लीजिए कि आप इस स्टार की डिज़ाइन में मल्टीपल स्टार बनाना चाहते हैं तो यह कैसे बनाएंगे यह भी बहुत आसान है यहाँ पर जब लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे तो देखिए आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है ड्राफ्ट सेडो टूल यहाँ पर जो छोटी सी एरो बनी हुई है नीचे की ओर इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर यह जो काउंटर लिखा हुआ है आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लें ऐसा करते ही यहाँ ऊपर कुछ नए ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे यहाँ पर यह जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके नंबर बढ़ाना है और जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे आप देखिए आपके स्टार की जो डिज़ाइन है इसके अंदर मल्टीपल स्टार इकट्ठा होते चले जाएंगे आइए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ अब यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यह जो मल्टीपल स्टार बने हुए हैं यदि इन स्टार्स के बीच की दूरी अगर आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऊपर में ध्यान देना होगा यहाँ पर देखिए यहाँ जो एरो बना हुआ है जैसे आप इस एरो पर क्लिक करते हैं मतलब यदि आप इसके मान को अगर आप बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी और यदि इसके मान को आप घटाएंगे तो इनके बीच की दूरी घटती चली जाएगी चलिए मैं जूम आउट कर देता हूं और इसके बाद फिर से मैं एक बार इस प्रक्रिया को दोहराकर आपको दिखाता हूं यहां पर देखिए इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है चलिए अब यहां जो मल्टीपल स्टार बने हुए हैं मैं इनको कम करता हूं और एक चीज़ और दिखा देते हैं जैसे मान लीजिए आप इन स्टार्स के ऊपर अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे साइड में जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए इंटरेक्टिव फिल टूल दिया हुआ है और उसके नीचे फिर स्मार्ट फिल टूल दिया हुआ है आप इस स्मार्ट फील्ड टूल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं ऐसा करते ही स्मार्ट फील्ड टूल सेलेक्ट हो जाएगा अब आप इसके जो अलग अलग खांचे बने हुए हैं आप इसके ऊपर क्लिक करें मैं इसको एक बार फिर से जूम कर लेता हूं और देखिए इस तरह से आप स्मार्ट फील्ड टूल का प्रयोग करके आप इस तरह की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर जो यह स्टार बना हुआ है आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके कहीं दूसरी जगह रख लें फिर दूसरे स्टार के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और फिर कीबोर्ड की कंट्रोल आर बटन को हम प्रेस करते हैं ऐसा करते ही यह जो नई डिज़ाइन बनी हुई है वह एक दूसरे के ऊपर क्रमबद्ध तरीके से एडजस्ट हो जाती है अब यदि आप चाहें तो इनके ऊपर मल्टीपल कलर डाल सकते हैं जैसे मान लीजिए मैंने बाहर वाले जैसे मान लीजिए कि मैंने बाहर वाले जो स्टार है उस बाहर वाले स्टार को मैंने सेलेक्ट किया और उस पर यह कलर फिल कर दिया और इसके बाद फिर यह जो दूसरा स्टार बना हुआ है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर मैं दूसरा कलर फिल कर देता हूँ जैसे मान लीजिए मैं यह कलर फिल कर दिया इसके बाद यह फिर जो सबसे भीतर वाला स्टार है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस पर कोई और कलर फिल कर देता हूँ इस तरह से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्टार बनाकर आप उनका उपयोग कर सकते हैं अब अगर आपको इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है तो आप स्टार को सेलेक्ट कर लें और इसके बाद फिर इस ऑप्शन पर जाकर माउस की राइट बटन पर प्रेस करें ऐसा करते ही इस शेप के ऊपर जो आउटलाइन बनी हुई थी वह खत्म हो गई है उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी यदि वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उसको क्लिक कर दें और इसी तरह की छोटी बड़ी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने अगली वीडियो में तब तो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद